अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद जमील। आज मैं आपको वादी कागान और नारहां के रास्तों के मुतालिक तफसील से बताऊंगा। क्या टूरिस्ट नारहां और कागान जा सकते हैं, आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से दिखाऊंगा। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप कोई डिटेल मिस ना कर पाएँ। चले नारहां के सफ़र का आगाज़ करते हैं। आज की डेट की बात करें तो डेट आज की 10 जुलाई 2020 है। कागान का सफ़र करने के लिए आपको पहले मानसेरा पहुंचना पड़ेगा, जैसा कि हमने भी मानसेरा से अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। किलोमीटर की बात करें तो इस्लामाबाद से मानसेरा का सफ़र 159 किलोमीटर है, जिसको तय करने में अगर आप हज़ारा मोटरवे से आते हैं तो 2 घंटे लग जाते हैं, और फिर नारहां तक 122 किलोमीटर है मानसेरा से, जिसको तय करने में 3 घंटा 30 मिनट लग जाते हैं। लाहौर से नारहां का सफ़र 614 किलोमीटर बनता है, जिसको तय करने में तकरीबन 8 से 9 घंटे लग जाते हैं अगर आप हज़ारा मोटरवे से आते हैं। अब सफ़र और भी आसान हो चुका है। इस वक्त हम बालाकोट के बाज़ार से गुजर रहे हैं। बालाकोट का बाज़ार क्रॉस करते ही आप देख सकते हैं जैसा कि एक चेक पोस्ट आई है यहाँ पर। चलें देखते हैं किन किन लोगों को अलाउ है आगे जाना, किन लोगों को अलाउ नहीं है। अभी पता करने पे पता चला कि टूरिस्ट को अलाउ नहीं है, सिर्फ लोकल बंदों की जाने की इजाज़त है। लेकिन कब तक ये ओपन होगा, इसके बारे में मैं इनसे डिटेल लेके आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। मुझे नारहां जाने के लिए अलाउ कर दिया गया है। मैं इससे पहले कि आपको बताऊंगा मुझे कैसे अलाउ किया गया, नारहां में पहुँच कर हम जो पहले से टूरिस्ट वहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो किस तरह यहाँ पहुँचे और आप लोग किस तरह यहाँ पहुँच सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन दबा देना ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें। वादी कागान आम टूरिस्ट के लिए कब तक ओपन होगा, इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा इंतज़ामिया से बात करके आपको डिटेल से बता दूं। अगर जिस दिन ओपन होता है उस दिन मैं वीडियो बना के अपलोड भी करूँगा। इसके लिए आप चैनल के नीचे रेड बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि वो वीडियो आपको मिल जाए। आपके सामने मैं भी चेक पोस्ट क्रॉस करके आया हूँ, मेरा आईडी कार्ड देखा गया, क्योंकि ये मेरा गांव है इसलिए मुझे जाने की इजाज़त मिल गई। अगर सिटीज़ कोई मेरा फ्रेंड आता तो उसे भी मेरे साथ जाने की इजाज़त मिल जाती। अगर आप कभी यहाँ वादी कागान साइड का कोई दोस्त या रिलेटिव है तो आप भी यहाँ आ सकते हैं, वो आपको यहाँ ले कर आ सकता है अपने साथ। अभी हम पहुँच चुके हैं कवाई के मकाम पर, बहुत ही खूबसूरत अबछार हैं। चले आएँ आपको अबछार भी दिखाते हैं और उसके अंदर ट्राउट फिश भी दिखाते हैं। हमने वादी कागान और नारहां के सफ़र का दोबारा से आगाज़ कर दिया गया। ये आप राइट साइड पे जो रास्ता देख रहे हैं ये शोगरांग की तरफ जाता है, बहुत ही खूबसूरत प्यारी जगह। लास्ट टाइम हम यहाँ गए थे, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं।
जैसे जैसे हम वादी कगान की तरफ बढ़ रहे हैं तो नज़ारे हसीन से हसीन तर होते जा रहे हैं। बुलंद व बाला पहाड़, सरसब्ज और साथ में बहता हुआ साफ व शफाफ दरिया, कभी सड़क के साथ कभी सड़क से दूर, लेकिन अपने शोर से अपने होने का एहसास दिलाता है। रोड के साइड पे जगह जगह आपको टेंट लगे नजर आ रहे हैं। ये लोग यहाँ शहद की मक्खियां पालते हैं और खालिश शहद भी फरोख्त करते हैं। हम पहुंच चुके हैं वादी कागान के खूबसूरत से बाजार में। यहाँ के बाजार में जरूरियाती जिंदगी की हर चीज मिल जाती है। यहाँ बहुत से तरक्याती मंसूबे हो रहे हैं जिसकी वजह से बड़े बड़े ट्रालर आते हैं और रोड खराब हो चुका है। इस जगह की खूबसूरती को देख के हम यहाँ रुक के यहाँ पर नीला पानी और सरसब्ज घास यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। ग्लेशियर पिघल के यहाँ आते हैं जो कि आबशार की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं। बहुत ही ठंडा पानी है।
पहुंच चुके हैं। पहले आप ये नज़ारे देखें, फिर आपको नरहान के बाजार, होटलों की सूरत हाल भी बताएंगे। अभी होटल से निकलते हैं और आए आपको बाजार एक्सप्लोर कराते हैं, बाजार में देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। अभी जिस होटल में मैंने स्टे किया वहाँ पे कुछ मकामी, कुछ लोकल बंदे थे, उनसे मैंने मालूमात हासिल करने की कोशिश की कि कब तक ये ओपन हो जाएगा। उनके मुताबिक ये 20 जुलाई को ओपन हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। जैसे ही कोई कंफर्म अपडेट आती है तो मैं वीडियो बनाकर चैनल पर डाल दूँगा। इसके लिए आप वीडियो के नीचे रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें।